Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है अल्फा रेजिमेंट। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं अनुप्रीता जोशी जी से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एनसीसी डायरेक्ट एंट्री से 14 एसएसबी इलाहाबाद से रिकमेंड हुए हैं, तो अनुप्रीता जी आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है अल्फा रेजिमेंट। हाय। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि 14 एसएसबी इलाहाबाद से रिकमेंड हुई हैं आप, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो ये काफ़ी गर्व की बात होती है। और लोगों के लिए ये होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया है, तो ज़रा अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, ये मतलब मुश्किल होता है थोड़ा, मुश्किल नहीं भी होता है, ये सब अपने पे होता है। लाइक यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ, यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आराम से हो जाएंगे। एंड बेसिकली मैंने 6 महीने पहले से ही पढ़ना चालू कर दिया था। मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी, डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और वीडियोस में स्टडी IQ, VON न्यूज़, ये सब इनका पढ़ लेती थी। सो दिस हेल्प्ड अ लॉट इन माय GD एंड लेक्चरेट प्रोसेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, साइट टेस्ट के लिए मैंने ऑनलाइन देख लिए थे क्या क्या पिक्चर्स आ सकते हैं। सो मैंने साइट टेस्ट का भी प्रैक्टिस किया। मैंने ओवर प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने 1-2 साइट टेस्ट दी कम्प्लीटली एंड गॉट इट चेक फ्रॉम अ फ्रेंड। और SSB में जाने के लिए डिफरेंस होता है, तुम फ्रेशर एज अ फ्रेशर भी जा रहे हो तो देयर इज अ डिफरेंस, तुम ऐसे ही जा रहे हो या थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके जा रहे हो, क्योंकि फ्रेशर अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेशर में तुम्हारे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं वो जो छोड़ देते हैं, मतलब कि ठीक है ये फ्रेशर इनको छोड़ सकते हैं इस बातों पर। तो तुम गाइडेंस लो एक ऐसे इंसान से जो मतलब जाके आ चुका है SSB में, फिर वो कोई मतलब प्रोफेशनल हो या आर्मी पर्सनल हो या जस्ट दोस्त हो जो 2-3 बार रेकमेंड हो गया या 1 बार रेकमेंड हो गया। सो दिस इज व्हाट आई एडवाइस। अच्छा, एक्चुअली बहुत लोगों का ये होता है सवाल कि यार मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे इसमें जाना है, फलाना फलाना बहुत सारे जॉब्स ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको आर्मी फील्ड में ही क्यों, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली मेरा रीज़न था कि बचपन से सपना है, मतलब सबका होता है, बट मेरे अलग अलग सपने थे कि पहले तो मेरे को साइंटिस्ट बनना था, बट बाद में बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे टेरर अटैक हुआ मुंबई में या फिर उरी हुआ, तो तब मेरे को से अंदर से आने लगा कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गो देयर एंड हेल्प पीपल। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, द लाइफ स्टाइल दैट आर्मी प्रोवाइड्स, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। लाइक आई एम अ पर्सन हु लव चैलेंजेस, सो every day you have to face a challenge, and when you face a challenge it brings the best out of you, so that is the reason। and aur acha kya tarika ho sakta hai apne country ko serve karne ka, so that was my reason। great। aaj ek cheez aur main janna chahunga, dekhi bahut sare student hain jo SSB ki taiyari kar rahe hain, first attempt mein hi clear karna cha rahe hain, lekin hota hai na ki ek thoda sa ki preparation kaise kare। आपने किया कुछ ऐसा, YouTube चैनल रिकमेंड करेंगी या फिर कोई आपका एक अलग तरीका था प्रिपरेशन का, वो मैं लोग जानना चाहेंगे उसके बारे में, आप क्या कह रही, आपने कैसे तैयारी की इसके बारे में। ओके, मतलब कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं क्लियर करते हो तो भी कोई बात नहीं, आपके पास हमेशा एक नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है। और मेरा ऐसे था कि सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त को पूछा, लाइक वो तो रिकमेंडेड है एक बार, तो मैंने उसको पूछा कि कैसे स्टार्ट करूँ, तो उसने बोला कि स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टार्टिंग एकदम बेसिक से तुम न्यूज़पेपर रीड करो, फिर तुम यूट्यूब पे दो तीन अच्छे चैनल्स हैं जैसे Study IQ है या फिर VON न्यूज़ है, तो ये जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर ये तुम वीडियोज़ देखना चालू करो, टेक नोट्स ऑफ इट, और स्टैटिस्टिक्स जितने भी है तुम लिख लो, गो थ्रू इट एवरी डे। एंड आफ्टर दैट मतलब ऑनलाइन कुछ कुछ है जैसे SSB शॉर्ट है या फिर अल्फा रेजिमेंट है, इनके अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे मतलब साइट टेस्ट का है, कोई इंटरव्यू का है, तो यू गो थ्रू दैट, यू कैन आस्क दोज पीपल टू हेल्प यू आउट। सो आई वुड से कि बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, जितना भी तुमने किया है तुमको पता है तुमने बहुत अच्छे से किया है, सो ट्रस्ट योर सेल्फ। एंड मतलब तुम एक चीज़, तुम्हारी एक टेस्ट भी अच्छा नहीं गया तो भी इट्स ओके, फोकस ऑन द नेक्स्ट टेस्ट, बिकॉज योर रिकमेंडेशन इज बेस्ड ऑन द होल प्रोसेस, पूरा कलेक्शन है टेस्ट का जिसपे तुमको प्रूव करना है, एक नहीं गया तो भी ठीक है, यू हैव ऑल द अदर टेस्ट टू प्रूव योर सेल्फ, एंड यू कैन डू इट, यू शुड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, दिस इज द ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट। फर्स्ट SSB ऑब्जर्वेशन आपकी कैसी रही है?
लाइक आप वहाँ गए हैं, ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा? हाँ, मैं ऐसे फर्स्ट टाइम गई, आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मतलब सब लोग खड़े हैं, मेरे को पता नहीं था रिपोर्टिंग वगैरह का क्या सीन होता है, कैसे होता है। तो आई वेंट देयर, मैंने लोगों से बात की कि क्या क्या होगा, तो उन्होंने बताया पहले डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, फिर तुम्हारा OIR होगा, फिर स्क्रीनिंग होगा, एंड आफ्टर दैट होल प्रोसेस। फिर जैसे ही स्क्रीनिंग हो जाते हैं, उनके अलग अलग रूल्स आ जाते हैं इलाहाबाद के कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा ये है वो है, तो अलग चीज़ है। बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है इस बीच, मतलब जाना, दैट इज व्हाट इज। आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया और आपने उस चीज़ के लिए रेडी, आप पहले से ही प्रिपेयर रहीं, तो ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछेंगे लोग जानना चाहेंगे? ऐसा तो कोई क्वेश्चन मैंने फेस नहीं किया कि मैं रेडी नहीं थी, बिकॉज मैंने अल्फा रेजिमेंट में ही इंटरव्यू दिया था, एंड जो मेरे को यहाँ पूछे गए थे इंटरव्यू में क्वेश्चंस, वैसे ही सेम क्वेश्चंस मेरे को इंटरव्यू में पूछे गए थे, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ किसी बीच में कि ये क्वेश्चन आया हो और मेरे को पता नहीं हो। और बाकी जी के रिलेटेड था, तो मैंने न्यूज़पेपर वगैरह तो पढ़ रखा था, करंट अफेयर्स अच्छे थे, तो मेरे को वो आ गए। आपसे पूछे क्या गए थे क्वेश्चंस? सबसे पहले ही मेरे को पूछ लिया गया था कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, मतलब पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस में ही आ गया था वो। फर्स्ट उन्होंने 15 क्वेश्चंस पूछे थे, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम्हारे अचीवमेंट्स, तुम्हारे हॉबीज, फिर तुम्हारा एजुकेशन कैसे था, एंड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन। फिर उसके बाद वो मेरे फैमिली पे आए, मेरे स्पोर्ट्स पे आए, दीज वर द बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। मैम, लेक्चर में आपका टॉपिक क्या रहा था? लेक्चर एट में ऐसे कंसेप्ट है कि जियोपॉलिटिकल आता है आता है आता है, बट आई थिंक अब SSB इसको पता चल गया है, बच्चे जाते हैं क्लासेस एंड ऑल, तो उन्होंने पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया होगा, क्योंकि मेरे पूरे ग्रुप में एक भी मतलब जियोपॉलिटिकल टॉपिक नहीं था। और मेरे को जो टॉपिक्स आए थे लेक्चर एट के लिए, तो वो थे चाइल्ड लेबर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एस्ट्रोनॉमी और 3D प्रिंटिंग, तो मैंने बोला था चाइल्ड लेबर पे। तो हम बच्चों को क्या फीडबैक देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि बी योरसेल्फ, मतलब जो लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे आंसर दो, तुम वैसे आंसर दो, नहीं, बी योरसेल्फ, जो तुम हो तुम वही दिखाओ, क्योंकि वो वही देखता है। मतलब तुम इंटरव्यू में तो कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे, बट तुम्हारा साइट टेस्ट है, तुम्हारा SRT है, तुम्हारा बिहेवियर वहाँ दिख जाता है, या तुम GTO कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा पूरा दिख जाता है। सो जस्ट बी योरसेल्फ और ट्रस्ट प्रोसेस यू वेंट थ्रू एंड बिलीव इन योर हार्ड वर्क, यही बोलना चाहूँगी मैं। थैंक यू सो मच अनुप्रीता जोशी जी हमसे बात करने के लिए, अल्फा रेजिमेंट से बात करने के लिए, और आई होप आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आती है तो आप अल्फा रेजिमेंट को अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, पहला आइकन दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए चंदा मैं दोस्तों, जय हिंद। अल्फा रेजिमेंट, earn uniform, earn respect.